Now we are going to discuss about the personnel productivity, how a retailer can increase, can maximize that productivity. There are certain tactics. It. So we are going to discuss them one by one. These tactics actually help a retailer ke wo apne employees ki productivity ko increase. Subsepale is the hiring process. So kisi bhi retail organization ke indar, the first challenge is when a person is been hired. So, if a proper hiring process has been followed, this means resultantly a good resource will be inducted. And if the good resource will be inducted, resultantly that particular resource will be actually more productive for the company. Hiring a wrong resource, when when I say wrong resource, which means wrong selection for that particular task. If you have resource, resultantly, what will happen? The organization, the retailer will get. Less productivity of a particular task from that particular person. So the key important part is the hiring process, which is the first step where a person gets interacted with a retailer or a retailer gets interacted with that particular employee, that particular personnel. So proper hiring process, proper verification process, proper back-end check, proper ground background check has to be ensured by the retailer. और द स्टाफ एट द्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एट द रिटेलर ताकि जो भी रिसोर्स हायर हो वो क्वालिटी रिसोर्स हो एंडट कैन बी प्रोडक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर रिटेलर दूसरा हमारे पास जो टैक्टिक्स है दैट इज वर्क लोड फॉर सो वट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू फोर द वर्क लोड नॉर्मली ऐसा होता है जिस तरीके से मैं आपको भी एग्जाम्पल शेयर कर था कि अगर एक रिटेलर ट्वेल्व आवर्स ऑपरेटिंग उसके हैं मीन्स के वो सुबह से लेकर रात तक वो अपने ऑपरेशन को चला रहा है सो ही हैज़ टू सी अ रिटेलर के मेरा पीक आवर्स कौन से हैं कौन से मेरे स्लो आवर्स हैं और कौन से मेरे ऑलमोस्ट नो कस्टमर आवर्स हैं सो यू विल नॉर्मली ऑब्जर्व स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान कि यहाँ पर जो कस्टमर फ्लो है वो इवनिंग के अंदर ज़्यादा है वो वीकेंड्स के ऊपर ज़्यादा है सो so ये तमाम ट्रेंड्स यू विल ईजिलीली गेट अ रिटेलर कैन ईजिल गेट फ्राम दी अदर रिटेलर फ्राम द इंडस्ट्री और फ्राम द मार्केट और इवन एज ए कस्टमर ऑल्सो यू नो इट के वेर आई एम गोइंग टू शॉप वट टाइम आई एम गोइंग टू शॉप वट डेज आई एम गोइंग टू शॉप तो ये डिसाइडिड होता है तो so, रिटेलर को क्या करना है उसको अकॉर्डिंगली अपने वर्क लोड को फोरकास्ट करना है लेट्स ए अगर पीक आवर्स के अंदर स्टाफ कम है जबकि स्लो आवर्स के अंदर स्टाफ बहुत ज़्यादा है सो so, अगर इस तरीके से इम्बेलेंस uh, होगा तो कभी भी रिटेलर अपने प्रोडक्टिविटी के टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगा सो so मैंडेटरी है कि प्रॉपरली वर्कलोड फोरकास्ट हो फॉर एवरी लेवल एट फॉर एवरी इंडिविजुअल ताकि उसके जो वर्क आवर्स हैं उसको प्रोडक्टिवली यूज किया जा सके यूटिलाइज किया जा सके तीसरा हमारे पास पॉइंट है जॉब स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्रॉस ट्रेनिंग के हवाले से तो सबसे पहले पहले पार्ट की बात करते हैं विच इज स्टैंडर्डाइजेशन अगर हमारे पास एक पोजीशन विच इज द डिपार्टमेंट मैनेजर पोजीशन एक रिटेलर के पास है सो द जॉब हैज टू बी स्टैंडर्डाइज हैव टू रिटेलर हैज टू इंश्योर दैट जॉब डिस्क्रिप्शन हैज बीन मेड प्रॉपर के पी आई बिन डिफाइंड और उसके प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म हैज मैकेजमिन इम्प्लीमेंटेड अगर ये किया गया है तो हमेशा रिटेलर विल अचीव इस प्रोडक्टिविटी टारगेट अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी रिटेलर अपने प्रोडक्टिविटी टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगा और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा इसका दूसरा पार्ट वॉज रिलेटेड टू क्रॉस ट्रेनिंग्स सो नॉर्मली हमने ऑब्जर्व किया है पर प्रैक्टिकल रिटेल परस्पेक्टिव के अंदर कि जब भी कोई एम्प्लॉय इंडक्ट uh, होता है रिटेल स्टोर के अंदर तो उसको एक्सपोयर लेट से किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का होता है सो क्रॉस ट्रेनिंग्स आर नॉर्मली सर्व द परपज वेर यू सेंड इम्प्लॉयज टू अदर डिपार्टमेंट्स वेर यू सेंड इंप्लॉयज़ दी हेड क्वार्टर वेर यू सेंड इंप्लॉयज टू डिफरेंट जॉब टास्क तो अल्टीमेटली यह होता है कि वो इंप्लॉय एक एक्चुअली रेडीमेड इंप्लॉय होता है फॉर टू बी यूटिलाइज सीजन इंप्लॉय कहलाता होता है जो कि टू बी एम्प्लॉयड एट एनी पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर उसको ऑर्गेनाइजेशन की नीड है फिर इसी तरीके से इंप्लॉय परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हाउ यू कैन इम्प्रूव दैट यू हैव टू डि बेंच मार्क्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ ऑल रिटेल अगर किसी एम्प्लॉई को ये नहीं पता कि हाउ माई परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी मई एंड और वट पैरामीटर माई परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी मई एंड हाउ आई विल बी अकाउंटेबल फॉर अ पर्टिकुलर टास्क हाउ मच आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इस बात को जहन में रखने के लिए एम्प्लॉई को बताने के लिए यू हैव टू डिफाइन द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स दिस विल बी मीटिंग एक्सपेक्टेशन दिस विड बी एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन एंड दिस वुड बी लेस देन द एक्सपेक्टेश्स सो एम्प्लॉई शुड नो

With you, the people will work with you honestly. the people will give more productive hours to you naturally. It has been observed ke other than non-financial uh, non monetary factors, monetary factors are also important. And depending, of course, on the country, if you see the country like Pakistan, country like India, country like China, are the countries where the monetary factors are very important. Logonko, Jitna, Zada compensation and benefit you've been offered. यू विल सी मोर प्रोडक्टिविटी इन दैट पीपल और ये इज़ द ओनली वे जहाँ पर आप लोगों को अपने साथ इंगेज रख सकते हैं कनेक्ट रख सकते हैं और अगेन टर्न ओवर को रिड्यूस कर सकते हैं दैन सेल्फ सर्विस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट कि जहाँ पर आप इंश्योर करते हैं कि आप सेल्फ सर्विस कौन के कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाएँ सो एम्प्लॉई हैज़ टू वर्क ऑन द डू इट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी इनक्रीज होगी और रिटेलर उससे बेनिफिट होगा लास्ट पार्ट लेंथ ऑफ सर्विस सो रिटेलर को क्या इंश्योर करना है कि इंप्लॉय टर्न कम से कम हो और लोग ज्यादा से ज्यादा विल स्टे विद दैट पर्टिकुलर रिटेलर तो लेंथ ऑफ सर्विस हैज टू बी इंप्रूव तो रिटेलर वट वर हैव टू डू कि उसको अपने एंप्लॉयी को इस तरह की स्कीम्स इस तरह के बेनिफिट्स ऑफर करने हैं कि इंप्लॉय शुड स्टे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दैट इंप्लॉई वुड बी अ ट्रेंड एंप्लॉई That employee will be a skilled employee. That employee will be worth uh, keeping employee, productive employee So retailer, for example, I've seen certain retailers who introduce like this, if you work with us for 10 years, we will give you, let's say, car. If you work with us for five years, we will give you a house loan, you will work for two years with us, and we will give you this, this amount. So some benefits has to be offered uh, by the retailer to the employees so that their length of services can be increased. And they can be more productive for a particular retailer. And this has been seen internationally and locally that they are always beneficial ways. Could be keeping, for example, lot of service. Uh, let's say maintaining the employee productivity, and this will really help to the retailer.